إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ولا ولا حول ولا إلا بالله العلي العظيم الحمد لله आज 2 जनवरी 2022 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 107 में हम इन ताला तब सूरतनामामम की आयत नंबर 50 से आगाज करेंगे सूरतनामाम की आयत नंबर 50 बड़ी क्रिटिकल आयत है पिछली हमारी जो कुरान क्लासेस हैं जो तीन सौ चवालीस लेक्चर्स में मुकम्मल हुई थी पूरी कुरान की तफसीर उसमें इस एक आयत के ऊपर मैंने आलमोस्ट डेढ़ डेढ़ घंटे के तीन लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए थे मसला नंबर सिक्स ए एल्मब से मुतक़ सिक्स बी कश्फ अलाम और ख्वाबों से मुतल और मसला नंबर सेवन हाज़र व नाजिर के अकीदे से मुतलक आज मैं उतनी तफसील में नहीं जाऊंगा सिर्फ तर्जुमा और कुछ इससे मुतल चीजें इंशाला हम डिस्कस कर लेंगे जो भी अल्लाह तक शर सदर करेगा इनशा बिस्मिल्लामी अभी तुम फरमा दो कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं यानी मैं इस बात का दावेदार नहीं हूं कि मैं अल्लाह के खजानों का मालिक हूँ या मैं अल्लाह ताला ने जो मुझे खजाने अता किए हैं उन पे कोई मेरी अपनी मर्जी है हर इंसान को अल्लाह ताला, ताला ने कुछ ना कुछ दिया होता है और अल्लाह के नबी तो महबूब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद लोग इसको काउंटर करने के लिए वो सही मुस्लिम की हदीस लेके आते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने ख्वाब देखी कि अल्लाह ताला ने मुझे दो खजाने अता फरमाए तो वो कहते हैं और ख़ज़ानों की चाबियां अता फरमाई वो कहते हैं पूरी कायनात की चाबियां दे हैं वो हदीस में मौजूद है कि वो रोमन्स और पर्शियंस को जो मगलूब करना था अल्लाह ने नबी अलैहि वसल्लम के सहाबा के ज़रिए उनके ख़जाने इस उम्मत को मिलने वाले थे उससे मुराद वो चीज़ें इसीलिए बुखारी और मुस्लिम दोनों में आता है ना कि हजरत हजरतबू हरैरा रदी अल्लाह तु ने जब माल की रेल पेल देखी तो वो साहबा की गुरबत को याद किया करते थे और डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ हमें आख़रत में मिलना है अल्लाह ने दुनिया में तो नहीं दे दिया और फिर वो फरमाया करते थे बुखारी मुस्लिम दोनों हदीस है ये सारी अदीस मैंने डिस्प्ले कराई है मुझे अपने बात तुम से शिर्क का खौफ नहीं मुझे तुम से शिर्क का खौफ नहीं ये वीडियो है उसमें ये सारी मैंने नबीलाम का आखिरी खुतबा आखिरी खुतबात में से एक आपकी वफ़ात से एक महीना पहले जो बुखारी में भी है मुस्लिम में भी है उकबा इबन आमिर कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को आखिरी दफ़ा मंबर पर उसी दिन देखा था जब ग़ब अहद के शहदा पर आपने नमाज जनाजा पढ़ी कब्रस्तान में आपके लिए मम्बर लगाया गया और वह खुतबा आपने कब्रस्तान में दिया और कहा मुझे ये ख़तरा नहीं कि तुम मेरे बात शेयर करने लगो बल्कि मुझे डर है कि तुम पे दुनिया के माल के दहाने खोल दिए जाएंगे और फिर तुम उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर एक दूसरे को क़त्ल करोगे और तबाह बर्बाद हो जाओगे जिस तरह अगले तबाह बर्बाद हो गए तो वो सारी अदीस को पेश नज़र रखते हुए हजरत अबू हुरैरा कहा करते थे कि नबी ऐसा और उनके साथी जो उस वक्त फ़ौत हो गए उनकी मेहनतों के फल हम खा रहे हैं यानी जो अल्लाह के नबी के साथ अल्लाह का वादा था वो ख़जाने तुम उनको इस्तेमाल कर रहे हो ये अल्फाज है बुखारी मुस्लिम में लिहाजा कोई भी हदीस कुरान से नहीं टकराती यहाँ पर इन ख़जानों से मुराद वो है जो सूर बनी सराइल में आया कि अल्लाह के नबी को नो मोड़ जात वो डिमांड करते थे क्यों नहीं दिए गए कि इनके लिए कोई बाग होता जिसमें नहरें रवा होती तो ये इस तरह का ख़ज़ाना इन्हें मिल जाता आसमान पर चढ़ते और हमारे सामने किताब ले के नाजिल होते तो ये वो सारी के सारी यानी दुनिया की जो मनफीत की चीज़ें हैं वो अल्लाह के नबी से डिमांड करते थे कि आपके पास वो सब कुछ क्यों नहीं है तो उसके जवाब में सुर बनी सरइल में अल्लाह तारा ने फरमाया तुम फरमा दो मैं एक बशर हूँ एक रसूल हूँ और मोटजात अल्लाह के पास ख़ास यहाँ भी ख़जा से मुराद वो तमाम मोटजात वो डिमांड्स हैं जो काफ़ी रखते थे तो कहा जा रहा है कि आप फरमाएं कि मेरे पास कोई ख़जाना नहीं है वला आलमीब और ना मैं गैब जानता हूँ बिल्कुल गाज है अहमद अब रेलवी साहब बाकी लोग इसका तर्जमा करते हुए लिख देते हैं ना मैं खुद से गायब जानता हूं ठीक है यह भी कोई गलत नहीं है लेकिन जब आप यह कहेंगे कि अल्लाह के इस्लाम को माँ काना व मां यकून जो कुछ हो चुका जो कुछ होने वाला है इसका इल्म है फिर हम आपसे पूछेंगे ये आपको किसने बताया कुरान में तो आया कि मैं गईब नहीं जानता वो कहते नहीं कुरान में आया कि अल्लाह त फरमाया कि अल्लाह तला अपने ग़ीब पर किसी को मुतला नहीं करता अल्ला मनिर तवा मर रसूल मगर अपने रसूलों में से सूर जिन में आया ये सूर आल इमरान में अल्लाह ने वन सेवनटी नाइन नंबर आयत में फ़रमाया वला किन अल्लाह ताला अपने गैब पर किसी को मुतला नहीं करता मगर अपने रसूलों में से वला किन ला यज तबी मिल रसुल में ऐशा व माकान अल्लाहतलकुमीब अल्लाह की ये शान नहीं कि तुम्हें गैब पर इतला दे वाला किन्जतबी मेर रसुल ही में ये शाह बल्कि अपने रसूलों में से अल्लाह चुन लेता है जिनके ऊपर ये गैब की खबरें खोलता है बस तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल के ऊपर तो ये गैब का कीदा है लेकिन अल्लाह के बताने पर लेकिन जहाँ पर नहीं बताया गया वहां नहीं कुरान में कई जगह आया है एन तुमसे ये पूछते हैं क्या के बारे में तो फरमा दोग के इन तो अल्लाह के पास है तुम सादिकीन ये पूछते हैं वो वादे का दिन कब आएगा अगर तुम सच्चे हो तो बताओ तो अल्लाह के नबी को झुठला रहे हैं कि अगर सच्चे हो तो बताओ कब आएगी क्या मत अब अल्लाह के नबी की इज्जत स्टेक पे है होना तो चाहिए कि मेरे नबी को कहीं झूठा ना कह दे तो मैं तारीख और सन बता दो अल्लाह ने फरमाया नहीं इल्म तुम फरमा दो इसका इल्म अल्लाह के साथ खास है वह इन नमा अना नजीर उमबीन और मैं तो नहीं हूं सवाए इसके कि मैं खुला डर सुनाने वाला हूं वह अक्सर पूछते हैं ना वो कहते हैं जी आप फीता ले के नबी का इलम गैब नापते हैं भाई हम नहीं नापते जब कुरान बार बार कहे कि क़्यामत का इलम नहीं दिया गया और हम कुरान की बात को रिपीट करें तो इसमें नापने वाली कौन सी बात होगी है यानी ये आप हमें टॉन्ट नहीं करवा रहे बल्कि अल्लाह ताला को ये टॉन्ट कर रहे हैं ज़ालिक जो दिया वो हम मानते हैं जो नहीं दिया वो नहीं मानते बाकी ये कहना कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हसम के लिए ये नक्स तसवुर होगा कि अल्लाह ताला उनको इल्म इल्मब ना दे तो ये आपकी नज़र में ही नक्स है अल्लाह के नज़दीक तो ऐसा नहीं है अल्लाह ने तो वाज फ़रमा दिया वलामल़ईब नबी तुम फरमा दो कि ना मैं गईब जानता हूँ अनसिन चीज़ों को बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि पांच चीजें जो सूर्य लुकमान के एंड में आई वो अल्लाह के साथ खास है उनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता वो अल्लाह की गैब की कुंजिया हैं। अब उनमें भी ऐसी चीजें मौजूद हैं कि जो अल्लाह ताला अपने पैगम्बर को मसलन उसमें एक चीज आई कि किसी को नहीं पता वो किस जमीन में मरेगा लेकिन सही मुस्लिम में हदीस है कि गज़ बदर से एक दिन पहले अल्लाह के इस्लाम ने ज़मीन पर लकीरें खींची और फरमाया कल यहाँ पर जो है वो उतबा की लाश होगी यहाँ पर अबू जहल की लाश होगी यहाँ पर शहबा की लाश होगी और हज़रत उमर कहते हैं कि वल्लाह हमने उन लाशों को अगले दिन उन्हीं जगहों पर पाया तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने ये चीज़ बता दी थी मुसरत आमल में हदीस है नबी इस्सलाम ने हज़रत हुसैन अली को उठाया हुआ है और जारो के तार रो रहे हैं मौला अली हाज़िर हुए और पूछा कि अल्लाह के, के नबी मेरे माँ बाप आप पे आपबान आपको किसने गमगीन किया तो फरमाया अभी भी जबरीइल आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि आप इस बच्चे से इतना प्यार कर रहे हैं और इसको फरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा और फिर उन्होंने मेरी खातिर एक हाथ यूँ मार के करबला की सुर्ख मट्टी भी मुझे दिखाई अब नबी नबीलाम को ये कैबी ख़बर किसी के मौत के बारे में दे दी तो ये हो सकता है लेकिन ये सब कुछ पैगंबरों के साथ खास है पैगंबरों के बाद नहीं क्योंकि बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है मेरी वफात के बाद गायब की खबरों में अब सिर्फ मुबशरात बाकी है पूछा गया मुबशरात फरमाया ख्वाब और ख्वाब भी तब गैबी खबर होंगे जब आप उस ख्वाब को इस्टेबलिश होता हुआ देख लें यानी दुनिया में एक शख्स को ख्वाब देखता है जब तक वह वाक्य हो नहीं जाता आप कैसे कह सकते हैं कि वह सच्चा ख्वाब है सच्ची गैबी खबर है और रह गया आखरत का मामला वो तो कन्फर्म हो ही नहीं सकता जब तक आखरत में पहुंच ना जाए या दुनिया में कोई पैगंबर उसे वेरीफाई ना कर दे जिसना सही बुखारी में हदीस है अमुल आला एक बूढ़े साहबी थे उस्मान बिन मजरून उनकी खिदमत किया करती थी वो फौत हो गए अल्लाह के नबी जब मैय पे आए तो उन्होंने नबी ईस्लाम की मौजूदगी में कह दिया एस्मान तेरे लिए अल्लाह के हजूर जो है वह खैर ही खैर है जन्नतें हैं और तेरा अमल अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा जो मतलब एक दुआएं वो दे सकती थी तो अल्लाह के नबीलाम पास खड़े थे आपने पूछा कि तुम्हें किसने बता दिया हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं लेकिन मैं नहीं जानता कि इसके साथ तुम्हारे साथ और खुद मेरे साथ क्या होगा ये मेरे के अल्फाज भी हैं जी तो उमुल अला कहती है मैं हज़ूर की इस बात से इतनी गमगीन और डर गई कि आंदा मैंने अहद कर लिया कि मैं किसी शख्स के बारे में कोई कॉमेंट्स नहीं पास करूंगी यहां तो लोग कहते हैं देखो जी जन्नती चेहरा जी सिद्धे लगता है नुरानी चेहरा लोग अपनी तरह से जन्तें बांट रहे होते हैं फिर कुछ दिनों बाद उमल अला ने एक ख्वाब देखा जिसमें एक चश्मा या पानी दिखाया गया तो नबी नबीलास्तम से जब जिक्र किया तो आपने फरमायास्मान का अमल है यानी वाकई अल्लाह ताला ने उसको ये अता फरमा दिया लेकिन उससे पहले हजू ने फरमाया ना मुझे पता है न तुम्हें तो पता है और वह ख्वाब की ताबीर नबी स्माम ने बयान फरमाई अगर अल्लाह के नबी मौजूद ना होते तो हम उस ख्वाब की ताबीर भी ना जान सकते तो इस बात को समझें ये इतना कोई सादा मामला नहीं है लोग ख्वाबों के ऊपर पूरा दीन खड़ा करके बैठे हुए और ये तो सुर आहकाफ़ में भी आया नबी तुम फरमाओ मैं कोई नया रसूल नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि खुद मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या होगा ये उसी कॉन्टेक्स्ट में जो तुम मुझसे मुआवजा मांगते हो या अजाब डिमांड करते हो ये मुझे नहीं पता ये अल्लाह का डिसीजन है कि कब कोई मुआवजा दिखाना है या कब अजाब आना है तो रसूलों का इनकार करने के एवज जो अजाब आता था अजाब इसती तो इल्म के हवाले से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है मुसलमानों के अंदर एक तरफ लोग कैटागोकल डिनाई कर रहे होते हैं दूसरी तरफ लोग जो हैं वो साबित करते हुए वो इतना आगे चले जाते हैं बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है मुस्लिम में बड़ी तफसील के साथ है मसरूक ताबी कहते हैं कि मैं आयशा के साथ टेक लगा के बैठा होता हूँ अम्मा आयशा हुजरे में अंदर हैं पर्दे में जाहिर है वो बड़ा लाडला शागिर था मसरूक और इनकी कुन्ियत थी अबू आयशा इन्होंने अपनी बेटी का नाम भी आयशा रखा हुआ था बुखारी मुस्लिम दोनों में ऐसे ही मुस्लिम में तो तफसील के साथ है हजरत आयशा एक दिन थोड़ी फ्रैंक हुई और कहा बेटा जो भी तीन बातों में से कोई एक बात भी कहे ना तो वो अल्लाह पर झूठ बांधने वाला है और पहली बात यह ऐसी की कि पकड़ के यानी समझ ने मुसलमानों की अक्सरियत का अकीदे उखाड़ के परे फेंक दिया मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है सईद आयशा के पांच अकीदे सईद आयशा वाले अकीदे आज उम्मत में बड़े कम लोगों के उन्होंने कहा जो कोई ये कहे ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है तो उसने अल्लाह पर झूठ बांधा है लो जी काम भी खत्म तो वह मसरू कहते हैं अम्मा मेरी बात सुने मैं इस पर आर्गूमेंट देता हूं आप ठंडे दिल से मेरी बात सुने उन्होंने कहा जी जज्बाती ना हो मैं आपको बताता हूं फिर उन्होंने सूरह नजम की आयत पढ़ी तो अम्मा आयशा ने कहा कि मैं इस उम्मत में पहली हूं जिसने इन आयात के बारे में अल्लाह के नबी से खुद पूछा था तो आपने फरमाया ये जबरी के साथ मेरी मुलाकात हुई है लेकिन आज तक ना देवबंदियों को सबर आ रहा है ना बरेलवियों को सबर आ रहा है ना शिया को सबर आ रहा है अगर ऐसी बात करें कहते हैं गुस्ताखे है रसूल है फिर आयशा भी हदीस थी और उन्होंने अपनी बात नहीं की अल्लाह के नबी से पूछा बरेलवी साहब से जब इन हदीस के बारे में पूछा गया काम शरीय में तो उन्होंने कहा कि सैयद आयशा जो है ना उन्होंने जो नफी किया ना वो इन आंखों से देखने की, की है दिल की आंखों से देखा है हाँ जी अगर दिल की आंखों से देखना मुराद वो ख्वाब में देखना है वो हम मानते हैं जाम तिरमज़ी में लेकिन वो शब मराज का क्लेम करते हां अल्लाह और नबी की मुलाकात हुई है शब माज और मुलाकात के लिए देखना शर्त नहीं होता मुलाकात हुई है कहते हैं जी अगर अल्लाह ने अपने पास बुलाया था और अपनी जियारत भी नहीं कराई तो फिर बुलाया क्यों सी सर कुरान ने बता दी कि हमने इसलिए आपको करवाई ताकि अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं जन्नत दिखाई सिदरतुल सिदरतुलमतहा दिखाया जहन्नम दिखा दी पैगम्बरों से मुलाकातें करवाई ये थोड़ी चीजें थी खाम खा अपनी तरफ से फिर उन्होंने कहा दूसरी बात कि जो शख्स ये कहे कि अल्लाह के, के, के इस्लाम ने कुछ दीन का हिस्सा बयान कर दिया कुछ छुपा लिया तो उसने भी अल्लाह पर झूठ बांधा फिर सूरतम की उन्होंने आय तलावत की यासूल बल लिगमा उन जिला इले का मब्बिक ए रसूल, रसूल पहुँचा दीजिए जो अल्लाह ने वही किया है आपकी तरफ और अगर आपने ना पहुँचाया तो आपने रसालत का हाक ना अदा किया ये आयत पढ़ के अम्मा सीधा इस्तला कुरान की याद से करती थी उन्होंने कहा अल्लाह ने वाज फरमा दिया है कि अगर अल्लाह के नबी ने पैगाम नहीं पहुँचाया तो रसालत का हक नहीं अदा किया लिहाजा जो ये कहता है ना कि हजूर ने कोई खास बात खास लोगों को बताई बाकी उम्मत को नहीं बताई है तो ये अल्लाह के ऊपर और अल्लाह के नबी पर झूठ है क्योंकि अल्लाह के नबी दीन बता के गए हैं पूरी तस्वुफ खड़ी है उसके ऊपर अम्मा आयशा ने वर्ड के परे मारी सूफीत कह जी वह दीन सीना बा सीना चलता है किताबों में सारा दीन नहीं होता जिनका दीन किताबों में नहीं होता वो यही कहते हैं तो सारा दिन किताबों में है और अल्लाह का शुक्र है अगर आपका दिन किताबों को स्पोर्टिव भी होता तो हम मान लेते आप किताब के बिल्कुल उलट बताएं और सीना बसीना मिया तो फिर हम यही कहेंगे ना आपको हम बुजुर्गों की कबरों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं वो इस किस्म के हम फिर फैज को तो अब वो तो कहानियाँ ही होगी ना और तीसरी बात अम्माशा ने फरमाई कि जो कोई कहता है ना कि अल्लाह के, अल्ला के नबी ैब जान लेते थे तो कुरान ने वाजे कहा है कि ग़ैब को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता लो जी गाली ख़त्म हो गई वो अताई मुस्तकिल मुस्तकिलज़ात गैर मुस्तकिल मुस्तकिलज़ात वो कैटागोकल उन्होंने डिनाई किया कि भई गब अगर, अगर अल्लाह के नबी को पता भी है तो वो ग़ैबी ख़बरें हैं उनका तो कोई इनकार नहीं करता मसला उस वक्त है जब आप कहते हैं कि अल्लाह के नबीम रोज़ा शरीफ में जो है वो पूरी दुनिया में होने वाले वाकत को ऑब्जर्व कर रहे हैं वही अल्लाह के नबी जब दुनिया में मौजूद थे उस वक्त नहीं थे ऑब्जर्व कर रहे बुखारी और मुस्लिम दोनों में अदीस है सत्तर साहबा को जब धोखे से शहीद किया गया तो उन्होंने मरते वक्त क्या कहा कि अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना हमने उनके दीन को नहीं छोड़ा और हम इस हाल में अपने रब से मिल रहे हैं कि हम अपने रब से राजी हैं इस तकलीफ के बावजूद के मौत के यानी नजा के आलम में देखें और हमारा रब हमसे राजी है और नबी नबीम कहते हैं बुखारी के अल्फाज है मुझे अभी अभी जबराइल ने खबर दी है कि तुम्हारे साथियों को धोखे से शहीद कर दिया गया और उन्होंने मरते वक्त यह कहा उन्होंने यह भी नहीं कहा यारसुल्ला आप हमें देख लें इस हदीस के बारे में जो बुखारी में भी है मुस्लिम में भी दुआ सिर्फ अल्लाह ही से मेरे रिसर्च पेपर में मैंने डाली है मैंने कहा यह एक हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है और तीन अकीदे क्लियर करती है नंबर वन अकीदेमीबा का यकीदा था कि अल्लाह खबर करेगा तो पता चलेगा वरना नहीं नंबर टू हाज़रों नाजिर वो अल्लाह के नबी को हाज़र व नाजिर नहीं मानते थे जो ये कहते हैं कि हज़ूर मदीना शी में होते हुए हमें देख रहे हैं अभी अल्लाह के नबी जब कबर से बाहर मदीना शी में बैठे हुए थे ना उस वक्त भी नहीं देख रहे थे वरना तो कहते अल्लाह के नबी आप देख लें और तीसरा त उन्होंने अल्लाह के नबी को मदद के लिए नहीं पुकारा ना फरिश्ते को पुकारा क्या अल्लाह तू हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर दे और किस तरह आपको समझाएं खोल खोल कर तो ना मैं गईब जान लेता हूं वला अकूर उलकुम इन्नी मलक और ना मैं कहता हूं मैं कोई फरिश्ता हूं अब जो लोग जबरदस्ती तुले हुए हैं कि अल्लाह के, के नबीलाम को नूर साबित करें स्पेशी के तौर पर तो उनके लिए रम फिक्री है ये तो नफ़ी हो रही है कि मैं फरिश्ता नहीं हूँ इंसान हूँ हमारी तरह का नहीं मरतबे की बात नहीं हो रही स्पीशी की बात हो रही है स्पीशीज में से एक स्पीशी इंसान है एक जिन है एक फरिश्ते हैं इस तरह फिर और कुरान कीम में अल्लाह तूरत रहमान में सूरत हिजर में और कई जगह फरमाया कि अल्लाह इंसान को मट्टी से और जिन्हों को आग से पैदा किया सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से जिन्नों को आग की लपट से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया तो नबीलाम एज़ ए स्पीशी मट्टी से पैदा हुए हैं हाँ आप नूर हदायत हैं वो तो सहाबा अलेत अहदीस की किताबें क़ुरान ये सब नूर हैं उन मानों में इन्ना अरसल्ला का शाह दऊँ अबू व नदीरा ही व सराजम मुनीरा आप ऐसे सूरज हैं जो चमका देने वाले हैं लेकिन उल स्पिशीमा बशर उ इंसान होने में मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं मरतबे की बात नहीं और सूरज बनी इसराइल में तो अल्लाह ने खोल के बयान किया कि अगर ज़मीन पर फरिश्ते आबाद होते तो हम फरिश्तों में पैगंबर बना के भेजते अब जब इंसान है तो इंसानों के लिए आइडियल कौन होगा इंसान वरना अल्लाह के नबी नबीस्म हमारे लिए आइडियल कैसे होते फरिश्ते तो खाते पीते नहीं है तो जो शख्स खाता पीता ना हो वो शख्स किसी ऐसे शख्स का कैसे आइडियल हो सकता है जिसे फाके भूख की वजह से काटने पड़े तो अल्लाह के नबी ने काटे हैं ना तकलीफ काटी है हमारे लिए आइडियल है वो तमाम हालातों वाक्यात जो उम्मत पे स्केटर्ड फॉर्म में आ सकते थे आप पे तकलीफें उतरी हैं एक दिन में दो बेटियों को तलाक हुई जिंदगी में तीन बेटियां अपने हाथों से दफन की चार ही बेटियां थी दो तीन बेटे हुए तीनों जिंदगी में फौत हुए तीनों को बचपन में दफनाया चार बेटियां जवानी की उम्र को पहुंची शादीशुदा हुई उनमें से भी तीन अपनी जिंदगी में दफनाई और चौथी जो एक बच गई थी बाकी सारी औलाद फौत हो चुकी है उसको भी कहा कि मेरे मरने के बाद सबसे पहले तुम मुझे आके मिलोगी वो भी बीस साल की उम्र में नबी नबीलाम की के छह महीने बाद सैयदा फातिमा सलाम सलाम्ला वो भी फौत होगी इतने हम किसी इंसान पर टूट सकते हैं मुझे बताएं और जो उनकी औलाद है जिनको अपने बेटे कह रहे हैं हुसैन उनके बारे में बता दिया गया कि ये भी शहीद हो जाएंगे यार आप जरा नबी इस्लाम के आसाब देखें कितने मजबूत थे और ये तो एक टेंशन है जो वो टेंशन है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपके बाद आपकी उम्मत के साथ होना क्या है जो मुसन अबीजाला में अल मुस्तर हाकिम में है कि मैंने बनु मैया बनु मरवान के बंदरों को अपने मंबरों पर देखा है और अबू रैरा के अल्फाज हैं जिस दिन ये हज़ू ने ख्वाब देखी उसके बाद चंद दिन जिंदा रहे और आपको किसी ने हंसते में नहीं देखा कि यार मेरी उम्मत पे ये मुसलत हो जाएंगे बंदर उम्मत का गम अलग से मैं कहता नहीं हम सब गम जमा किए जाए ना उससे ज़्यादा गम अल्लाह के नबीम अकेले आप सोच सकते हैं कि पैगम्बर कितना रकीकुल कल्ब होता है मेरे आपके बारे में तो चले कोई दो राय हो सकती हैं कुरान में आया हरीसुन अलईकुम बिल मोमी रऊफ़ रहीम मोमिनीन के लिए हरीस हैं रऊफ़ हैं रहीम हैं उनकी जानों से बढ़ कर उनके लिए हिर्ज करने वाले हैं आप लोगों को शानदे नजर आ रही हैं यानी लोग बड़े आसानी से कह देते हैं अल्लाह के नबी को बड़ी शान मिली हुई है लेकिन आप अल्लाह के नबी की जो तकलीफ हैं जो आपकी टेंशन हैं अगर आप उनको देखें तो वो शान तो एक साइड पर रह जाती है हम ये समझते हैं कि किसी को ऑनर या शान मिले तो एक सुखी जिंदगी गुजारे ये जरा नुकते के ऊपर आपने तवज्जो करनी है अल्लाह के नबी को इतनी शानों के बावजूद आपकी जिंदगी गमों से इबारत मरते वक्त भी उम्मत का गम और क्यामत वाले दिन लादा से गम हालांकि उस दिन मुकाम महमूद मिला लेकिन उधर की टेंशन यह है कि उम्मत को किसी तरीके से बचा लूं तो पैगंबर वाकई वह भी होता है अल्लाह की तरफ से इतने मजबूत आसाब किसी आम इंसान के हो ही नहीं सकते वरना तो इंसान सोच सोच के मर जाए इंसान सोच भी नहीं सकता कि पैगंबर किस किस तकलीफ से गुजरते हैं तो मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं मैं इंसान हूं इंसान होने की वजह से आइडियल भी है हमारे लिए इन अत तबीयू इलैया लो जी आखिरी गल आ गई है मैं तो नहीं इतबा करने वाला मगर वही जो अल्लाह मेरी तरफ वही करता है यानी खुद मेरी अपनी मर्जी है ही नहीं है मैं उस वही का पा जो जो मुझे अल्लाह हुक्म देता है मैं वो बजावरी उसकी करता हूं अब मुझे बताएं ये आयत कोई शख्स पब्लिकली मुसलमानों में सुना सकता है हिंदुओं में सुना सकता है क्रिश्चन में सुना सकता है कोई डर नहीं है मुसलमान के आगे आप ये आयत पढ़ के उसका तर्जमा नहीं कर सकते और इसी का जोड़ा है ये चूंकि सूरतम और सूरतलआराफ जोड़ा है कुरान में ना ये बिल्कुल मक्की दौर की आखिरी सूरतें हैं चूंकि सूरतलआराफ जोड़ा है जोड़ों में खसूसियत यह होती है कि एक तरह की जो क्रिटिकल आयात है वो थोड़े से अल्फाज के फर्क के साथ ना दूसरे जोड़े में रिपीट हो जाती है बकरा की कई आयात सूर्य आल इमरान में रिपीट हुई है लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में मजमून वही होता है अब इसका जो चूंकि जोड़ा सूरत अराफ है तो सूरत अराफ में जो आयत नंबर है वन एटी एट सरकार वो मुतकाजी है कि इसका जोड़ा यहीं पर बयान कर दें उसके बारे में तो मैंने कहा था ना कुरान की सबसे सख्त आयत ही है नबी तुम फरमाओ मैं तो अपनी जान के लिए भी ना किसी नफ़े का मालिक हूं ना किसी नुकसान का अब मुझे बताएं अगर अल्लाह के नबी नबीआल अपनी जान के नफे और नुकसान के मालिक नहीं है तो शेख अब्दुल कादर जिलानी और बाकी लोगों के बारे में क्लेम करना कि वो किसी को नफा नुकसान दे सकते हैं तो फिर हम हक हाँ बजाने में न ये कहने में कि बाबे शाही कोई नहीं इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे वैब और अगर मैं खुद से ग़ैब जान लेता ये अगला वर्जन आ गया सूरत में तो बात अल्लाह की, इसमें और खोल दी कि नबी तुम फरमाओ अगर मैं गैब खुद जान लेता तो मैं खैर कसीर जमा कर लेता वमा और मुझे कभी कोई तकलीफ ना पहुंची दुनिया में कोई शख्स गायब जान लेना वो आने वाली तकलीफ से बच सकता है एटलीस्ट जो सरकम से रिलेटेड है वो प्लान कर सकता है लेकिन अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है कि आप और मैं अगर मैं गायब जान लेता तो मैं खैर कसी जमा कर लेता जाहिर है कि दुनिया का हर खजाना पता चल जाता अगर अल्लाह के नबी खुद गायब जान लेते होते तो यह तेल जो सौ साल पहले अरब की सरजमीन में निकला है तो अल्लाह के नबी पहले ही बता देते तेल नीचे से निकला है लेकिन अल्लाह ने उसको बकफी रखा है अल्लाह के नबी पे भी और शुक्र है बुज़ुर्गों ने दी नहीं चुनी दरियाफ्त होया नहीं तो इन्होंने कह रही थी बुज़ुर्गों ने तेल दरियाफ्त कर लिया वो एक साइंटिफिक एफर्ट है जिसने रिपोर्ट की वो भी हादसाती तौर पर सर एडवन जो है वो अमेरिका में पेंसिल्वेनिया से गुजर रहे थे तो वहाँ पर कुछ अल्लाह ने दिखाना था तो वो एक तेल का जो है ना वो थोड़ा सा कुआं वो पहले शुरू में तो यही हुआ ना जहां पे तेल ऊपर था वैसे तो तेल का कुआं आपको पता है तकरीबन दस किलोमीटर नीचे होता है तेल दस किलोमीटर पानी के लिए तो नहीं कोई नीचे जाएगा पानी के लिए तो आप एक किलोमीटर भी नहीं नीचे जाएंगे दो सौ ढाई सौ फिट पाकिस्तान में सबसे नीचे जो वाटर टेबल है इस वक्त वो कोयटा में है वो भी पांच सौ से छ सो फुट है पाकिस्तान में कोई इलाका ऐसा नहीं हजार फुट से पहले पानी ना निकल आता हो इवन आप गिलगित में पहाड़ों के ऊपर भी खोदे वहां वाटर टेबल पहाड़ों में इतना पानी मौजूद है चश्मों का वही नहीं खत्म होता तो हजार फुट से भी नीचे कोई नहीं जाता तो मेरे भाई हजार फुट कम अज कम साढ़े तीन हजार फुट हो तो एक किलोमीटर बनता है और दस किलोमीटर किसने जाना है नीचे उस जमाने में तो कोई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे लेकिन वो पहला कुआ जो है पेंसिलवेनिया में अठारह में वो कुआ अभी तक उन्होंने सेव करके रखा उसके ऊपर वो मारत और तस्वीरें हमने कई दफा अपनी वीडियो में लगाई है अल्लाह ने दिखा दिया तो अल्लाह तला फरमा रहे कि मुझे कोई तकलीफ ना आती है नबी तुम फरमाओ अगर मैं गैब जान लेता हूँ तो ज़ाहिर इस्लाम मुस्तबिल को फॉर्स ही कर सकते थे ना आप दुनिया में समझ लें अगर बेनज़ीर भुट्टो को ये पता चल जाता कि पिंडी जलसे के बाद मुझे टारगेट के तौर पर किल कर दिया जाएगा एक स्नैपर के जरिए तो उस दिन तो उसने मतलब वो तो गाड़ी से बाहर निकाला ना उसे उसने घर से बाहर नहीं था निकलना जाहिर है कि इस डेट को इतने मजदूर तुम्हें कत्ल किया जाएगा वहां पर और जाहिर है जब वो डेट गुजर जाएगी तो खतरा टाल जाएगा प्लान सारा चौपट जिस तरह अल्लाह तला पैगम्बरों के साथ करता है जब बचाना होता है जिस तरह के नबीलाम हिजरत वाली रात अल्लाह तला ने ऊंघ तारी कर दी उन काफरों पर नबीसलाम निकल गए बहुत सुबह हुई तो वह जागे तो देखा हजरत अली बिस्तर पर लेटे वा निकल गया क्यों है भई अल्लाह ने बचा लिया અને અબી મુજે ફરમા દો કોઈ તકલીફ ના આપે તો ગઝબે ઓહદ મે આઈએ ના તકલીફ અગર અલ્લાહ કે નબી અલાયસલામ કો યે પતા હોતા કે ઇસ લેવલ કી તકલીફ ઇસ તરહ આની હે ઈશારા તો આપકો ખواب મે મિલ ગયા થા સાહી બુખારી મે આપને دیکھا કે મેરે સામે ગાય જબા હો રહી હે તો ઉઝુર અલાયસલામ ને કહા કે મેને ઇસસે ફોરસી કર લી કે મુસ્લમાનો કો તકલીફ પહોંચેગી ઇસમે તો જ્યાદાતા ક્યા સોચા હોગા कि कुछ हमारे भी शहीद होंगे कुछ उनके मर जाएंगे अल्लाह के नबी ने ये सोचा ही नहीं था कि मदीने का कोई घर नहीं बचेगा जिसमें से किसी अंसारी की लाश ना उस घर में गई हो सत्तर से ज्यादा लोग साहबा शहीद हो गए और फतः शिकस्त में बदल गई चंद लोगों की नाफरमानी करने के सबब और अपने बारे में तो अल्लाह के नबी ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे भी चार दांत शहीद होने हैं खून का फुवारा छुट गया आपकी शहादत की, की खबर मशहूर हो गई फिर वो वयात नाजर हुई ममां महम्मद रसूल कदखलत मिन कबल रसूल अफा इमाताओला मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल इनसे पहले भी रसूल गुजरे हैं अगर ये मर जाए या कतल कर दिए जाएँ तो क्या तुम दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे और जो कोई उल्टे कदम फिरेगा अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा और अल्लाह तला शाक्रन को जजात देगा जो सबित कदम रहने वाले हैं यानी तुमने हमारे नबी पे कोई एहसान किया ईमान को करके अगर अल्लाह के नबी दुनिया से चले भी जाएँ तुमने अपने लिए ईमान को बोल किया अल्लाह के नबी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अब ये सलाम को तो नहीं पता था ए नबी तुम फरमाओ कि ना मुझे कोई तकलीफ पहुंचती, इन आना अला नज़ीरू अब बशीर मैं तो नहीं मगर डर सुनाने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला कौमी मिनून उन लोगों के लिए जो बात को मानना चाहें या ईमान लाना चाहें अब इसके ऊपर कितना बोला जाए मेरे भाई यानी हर चीज का एंड है और इसको सपोर्टिव एक आयत कुरान में सद आयशा का अकीद अल्लाह ने बयान कर दिया सूर अत तहरीम के स्टार्ट में पारा नंबर अट्ठाईस में उम्म को बता दिया कि ये अकीदा होना चाहिए आयद नंबर तीन है सूर तहरीम व नबीबाउवा जही हदी था और जब नबी सल्म ने अपनी किसी जोजा से एक रास की बात कही फल नबी व अल्ह और उस बीवी ने नबी इस्लाम की यह खबर लीक कर दी यानी दूसरी बीवी को सयदा हफ्सा को बता दी ये बुखारी मुस्लिम में आता है कि ये दो बीवियां सयदा आयशा और हफ्सा थी और अल्लाह ने उन पर जाहिर कर दिया आरफा आरोम तो नबी नबीसलाम ने बाज चीज़ें तो बयान कर दी अपनी उस बीवी से और बास से एराज किया यानी मुकम्मल नहीं किया कि कहीं नेगेटिव साइकोलॉजी ना हो कुछ बताया कि मुझे इतना पता चला है। वो अगले बंदे को ऐसी तसली हो जाती है शुक्र है पूरी गाल नहीं पता लगी मैं तय भी कर देती थी अगे तो अच्छा टीचर यही होता है कि और मैं भी ऐसे करता हूँ अपने स्टूडेंट के साथ पता उन्होंने सारा कुछ होता है मेरे तो ज्यादा तो शार नहीं हो लेकिन बाद में कुछ थोड़ी सी चीज़ करके बाकी कोवर लुक कर देता हूँ अच्छे टीचर इसी तरीके से आपका बिहेवियर अपने भी बच्चों के साथ भी होना चाहिए ए नहीं कि एक वो ना मैं तुम तो फिर तो पिछली भी सारी गणांगा खुदा एंड पे आए उसमें भी आप कुछ चीज करें कुछ ओवर लुक कर दें ये ये नबियों की सुन्नत है बास बता दी बास से खुद एराज किया ताकि वो कहते भागने का रास्ता भी तो होना चाहिए ना अगले बंदे को आप इतना ही ना कर करते मनु यह भी पता है हो सकता है ठीक है उनका लैफ जो हो नहीं ये भी हो जाता होता है बीवियों के केस में तो ये होता है मतलब हमारे साथ तो ये हो सकता है लेकिन ये मैं खास बता रहा हूं आपको तो फलमीह तो जब नबीस्लाम ने उनको खबर दी इसके बारे में कि देखो भाई ये ये हुआ मन अम बहा अब बीवी थी वैसे तो इस तरीके से बात करना तो शाह ने रसालत के अदब के खिलाफ है कि अल्लाह के नबी कहेंगे के तुमने ये मेरी बात ली की है हमें कोई कहे तो हम ये तो नहीं आगे कहेंगे तो हम किने दस्या है पता अल्लाह के नबी है वही नासिल हुई होगी लेकिन हमारी इसमें कितनी लर्निंग होगी कि जब अल्लाह के नबी से पूछा कि आपको किसने बताया अब तो होना चाहिए था आप कहते मैं आलमुल गईब हूँ इन वाले अकीदे से माँ काना माँ यकून का इल्म अल्लाह ने मुझे दे दिया है अल्लाह की तह से मुझे पहले ही पता चल जाता है कला नबीमुल ख़बीर तो नबी ने फरमाया मुझे खबर दी है इल्म वाले ने और ख़बर रखने वाले ने मुझे उसने खबर दी है अल्लाह के नबी ने यह नहीं और अम्मा आयशा का भी अकीदा क्लियर हो गया उन्होंने ये नहीं समझा कि अला के नबी सब कुछ जान लिया करते थे फिर जो तीन हिसाब की तोबा का वाक़ा है जो बुखारी मुस्लिम दोनों में आया गजवे तबू के मौका पर वहां पे भी आप देख लें वो साहबी कहते हैं कि काब बिन मालिक कुरान में सिर्फ उनके तोबा का जिक्र आया है उसकी वजह से सूर्य तोबा उसका नाम है डिटेल पूरी आई है गजबे तबू पे पीछे रह गए थे उसमें वो कहते हैं कि बाकी लोग बहाने कर रहे थे मैंने भी सोचा मैं भी जाके बहाना कर लूं फिर मैंने कहा कि अगर मैंने बहाना किया तो बाद में अल्लाह तो अपने नबी को बता ही देगा कि इसने झूठ बोला है तो फिर एंड पे बोल तो मेरा खुल ही जाना है तो मैंने फिर सच सच बता दिया कि मेरी ये सुस्ती है मैं नहीं जा सका फिर पचास दिन का बाइकाट हुआ फिर आयात नाजिल हुई तो उस साबी का भी क्या कीदा है कि अगर मैंने हज़ूर को धोखा भी दिया तो वक्ती तौर तो पर दूंगा बाद में अल्लाह तो बता देगा फिर सूरह तोहबा यह नबी ये झूठी कस्में खाते हैं ये आपको तो राज़ी कर लेंगे लेकिन अल्लाह को तो पता है अल्लाह को कैसे राज़ी कर सकते हैं पूरे कुरान और अदीस का स्लूब इसी तरफ जाता है कि अल्लाह के नबी नबीसलाम को गैबी ख़बर दी जाती थी माँ का ना व माँ यकून वाला मामला नहीं था और ना इल्मिल ईब कोई कॉम्पिटेंसी है कि कोई शख्स एक महारत है जो हासिल कर ले जैसे कोई मोबाइल पे चलाना सीख जाता है टाइपिंग सीख जाता है तंदूर में रोटियां लगाना सीख जाता है नहीं इस तरह ये कोई महारत नहीं कोई हासिल कर ले बल्कि ये गैबी खबर अल्लाह ने अपने साथ खास रखी है जब चाहता है देता है जब चाहता है नहीं देता नहीं पता चलता जब चाहता है दिखा देता है सही बुहारी में गजब मूता कई सौ किलोमीटर दूर हो रही है रोमन अंपायर के साथ औरजूर मज नबी में रो रहे मेरे जाफर को शहीद कर दिया गया मेरे जैद को शहीद कर दिया गया मेरे अब्दुल्ला बिन रवाहा को शहीद कर दिया गया और अब झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ आया खालिद खालिदन वलीद और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला उसके हाथ पे पता देगा तो खालिद इबन वलीद जो है वो इतनी बड़ी फौज से वो मुख्तसर सी जमात को बचा के वापस ले आए वो फते ही थी आलमोस्ट अब वो मंजर दिखा दिया अल्लाह जब चाहे सूर्य यूसुफ देख लें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के करीब ही वो कुआं था उनको नहीं पता चला वहां पे बेटे को छुपाया हुआ है और जब पता चलने पे आया तो जब वहां से वो चला है तो कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है बस उस वक्त अल्लाह ने दिखा दिया ये सब कुछ ऐसे है ये बिल्कुल क्लियर कट है और ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं पैगंबरों को अगर पैगंबरों का ये हाल है तब बात शाह ही कोई नहीं तो छड़ दो कही खत्म असल मसला यह है कि अगर पेम्बरों का स्टेटस क्लियर कर दिया जाए तो फिर बाकी तो बीच में से खुद ब खुद निकल जाएंगे फिर भी अगर किसी को कोई चीजें रह गई हो अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं और कर सकता हूं बुखारी मुस्लिम से वो हदीस पेश करते हैं कि नबील इस्लाम एक दफा मेंबर पर चढ़े और फरमाया कि पूछ लो मुझसे जो कुछ पूछना है तो अगे भी बढ़ो ना जब तक मैं यहां पे खड़ा हूं आ, तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब बुखारी मुस्लिम में ही आया है बुखारी और मुस्लिम दोनों में अधीस है जब मैं मराज से वापस आया तो काफिरों ने मुझे झुटलाना शुरू किया और मुझसे सवालात किए और मुझे उन सवाल के जवाब मालूम नहीं थे मैं इतना परेशान हुआ कि मैं ऐलान नबूत के बाद कभी इतना परेशान नहीं हुआ था कि मैं इनके सवाल के जवाब नहीं दे सक रहा दादा मैं इनके जवाब ही नहीं दे सकता अब वो सवाल क्या बैतुलम के दरवाजे कितने है? कितनी हैं दीवारों पर रंग कौन सा हुआ है अगर तुम कहते हो रातों रात एक हजार किलोमीटर का सफर करके आ हूं जो उस जमाने में चालीस दिन का सफर था एक रात में कौन ये सारी चीजें याद रख सकता जबकि वो गया इस काम के लिए तो नहीं गया इस अकेडमी में हम कई दफा सीढ़ियां चढ़े मैं आपसे पूछू कितनी सीढ़ियां बताओ कर लो गल जब तक आप इस नीयत से ना चढ़े कि मुझसे किसने सीढ़ियां पूछनी है तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है मैं हतीमे काबा में खड़ा हुआ अल्लाह ने बैतुल बक्तिस को उठा के मेरी निगाहों के सामने कर दिया वो जो जो मुझसे पूछते जाते थे मैं देख के बताता जाता था तो इसका क्या मतलब है कि उस वक्त आपको नहीं पता था लेकिन जब उन्होंने पूछा तो उस वक्त अल्लाह ने सामने किया कि दिखा दिया यहां पर भी जब कहा मैं जब तक मेंबर पे मौजूद हूं मुझसे जो पूछोगे मैं बताऊंगा यानी अल्लाह की गैबी थी कि पूछते जाओ अल्लाह ताला मुझे आगाह करता जाएगा उस मामले में ये क्या करते हैं एक टुकड़ा पकड़ते हैं उससे पूरी डॉक्टर खड़ी करते हैं पूरे कुरान दिस का उसलूब एक तरफ होता है एक चीज को पकड़ के उसे खत्म कर देते हैं होना है चाहिए कि पूरे कुरान का उसलूफ देखें और उस एक चीज को उसके तनाजुर में समझे ये उलट तरीके से चलते हैं इस आप करना शुरू कर देंगे तो मेरे भाई इस तो फिर दीन का जनाजा ही निकल जाएगा ना कुरान हदीस के अंदर डॉक्ट्रिन बयान हुई है बाकी सारी चीजों को उसके अंदर समझना होगा पूरा कुरान भरा हुआ है अल्लाह पर ईमान रसूलों पर ईमान फरिश्तों पर ईमान वो पकड़ के बकरा की आयत नंबर सिक्सटी टू उठाएंगे कोई यहूदी हो कोई ईसाई हो कोई साबी हो जो कोई अल्लाह और जो आखत पर ईमान ले आए उसे मत के दिन ना कोई खौफ होगा ना गम और फिर कहते हैं देखिए इसमें तो ईमान बिरसालत जरूरी कोई नहीं है सारी जनत में चले जाएंगे जो अल्लाह और आखिरत को मान ले तो बाकी कुरान सारा झूठा नजर में इसको समझे ईसाई अपने अपने वक्त में जो अपने अपने पैगंबरों को मानते थे उस वक्त तो जाहिर है कि उनके वक्त में उस वक्त तक जितने पैगंबर थे उनको मानना जरूरी था ना बाद में आने वाले पैगंबर की तो दावत अभी आई नहीं है फिर वही कुरान जो जगह जगह कह रहा है आपने नबीसम पे ईमान लाना है और सूर्य निशा में तो यहाँ तक आया जो अल्लाह रसूलों में ईमान लाने में फर्क करते हैं वो पक्के काफिर है और फर्क ना करो इतनी सारी चीजें एक जगह और एक चीज को और वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यही कादिया नहीं करते पूरा कुरान इस मुकदमे पर खड़ा है कि जब भी कोई पैगंबर आया अपने से बाद आने वाले पैगंबर के बारे में उसने खबर दी है और कहे कि मुझ पर भी मान लाना है जिस जिससे के बारे में मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ एक पैगम्बर की कुरान पूरे में ये आ रहा है ईमान लाओ इस पर और जो इससे पहले नाजिल हुआ पूरे कुरान में कहीं नहीं आया कि जो इसके बाद नाजिल होगा वो पकड़ के कहते हैं सूर्य हाजमें आए थे कि अल्लाह ताला फरिश्तों में से और इंसानों में से जिसे चाहता है रसूल चुन लेता है और कहते हैं मुजारे का सीगा है चुन लेता है या चुन लेगा तो वो कहते हैं कादियानी दजाल को चुन लिया भाई ये ठीक है कि मुजारे का सीगा मुस्तकबिल को भी किफायत करता है और हाल को भी लेकिन ये नहीं होता कि जरूरी है कि मुस्तकबिल भी उसमें शामिल हो सिर्फ हाल के लिए भी आ सकता है सिर्फ मुस्तकबिल के लिए भी वो इसको पकड़ के पूरे कुरान की डॉक्टर को बदलने की कोशिश करते अब खत्म तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं यानी मुराद आपका कोई बेटा मर्द नहीं होगा माकाना मोहम्मद अबादि के रसूल खातम नबी जिस तरह यह चीज तय है ना कि आप किसी मर्द के बाप नहीं है इसी तरीके से यह बात भी तय है बल्कि आप अल्लाह के रसूल हैं और सिलसिले नबूत की मोहर है मुराद क्या अल्लाह तला यह कहना चाह रहा था कि हजूर के बाद भी बहुत पैगंबर आएंगे मोहरे लगाया करेंगे कहा जा रहा है किसी मर्द के बाप नहीं यानी मुराद ये कि आपका कोई बच्चा मर्द बनेगा ही नहीं जब मर्द नहीं मनेगा तो उजूर का अपना बेटा भी कोई पैगंबर नहीं होगा और मर्द ना बनने की वजह यह है कि के, के बाद नबूत नहीं चलनी इब्राहिम का बेटा पैगंबर था तो मोहम्मद के बेटा भी पैगंबर होते लेकिन आप मर्दों में से किसी के बाप है ही नहीं है हारसा को तुम कहते हो वो भी मुंह बोले बेटे हैं रसूल अल्लाह बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल है और वातमन नबीन वो तो नबूत की मोहर है सील ऑफ द प्रॉफिट है एंड हो गया सब कुछ डॉक्यूमेंट के एंड पे मोहर लगती है वो सील भी और दूसरा जब किसी लिफाफे को भेजा जाता था तो सील किया जाता था जिसकी तरफ जाता था वो खोलता था इस दरमियान कोई चीज ऐड नहीं हो सकती लेकिन इसका यह मतलब निकाल लेना तो कहां जाके गिरते हैं फिर बुखारी मुसमिया तो दर्जनों इस पर गवाह है एली तू इस पर खुश नहीं कि तेरी मेरे साथ वही निसबत है जो हारून की मूसा के साथ मगर मेरे बात कोई नबी नहीं यहां बड़ा मौका था कि हारून भी नबी मूसा भी मौला अली को हजूर कह रहे हैं कि तेरी निसबत तो वही है लेकिन मेरे पास कोई नबी नहीं, नहीं मौला अली नबी नहीं जनाब अगर मौला अली नबी नहीं है ना तब बापे शाही कोई नहीं।, नहीं इस उम्मत में अगर कोई हकदार था नबूत का तो हजूर का बच्चा तो हजरत अली थे ना आपकी सुलभी उलाद तो उस नहीं चली सहीदाफ आम से चली तो अली को जब कह दिया ना कि तू भी नहीं तो बाकी तो सारे वैसे ही फारह हो गए फिर बुखारी मुस्लिम के अदीस बाकी अंबिया और मेरी मिसाल एक खूबसूरत इमारत की सी है जिसमें एक ईंट की जगह बाकी है जो लोग भी गुजरते हैं बड़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं ये एक ईंट लग जाए तो ये इमारत मुकम्मल हो जाएगी वो ई एक ईट मैं हूं। तो अब मुझे बताएं इसके बाद दूसरी ईट कैसे लग सकती है अल्लाह का शुक्र है मेरी वो वीडियो कादियानियों को दावत असलाह उसमें इस तरह की मैंने कई अहादीस और कवर किए हैं कई कादियानियों के इस्लाम कबूल करने का सबब बनी है वो वीडियो अलहदुल्ला सही बुखारी में मैंने हदीस बयान की थी अब्दुल्ला इब्ने अबी ओफा से कोई पूछता है कि आपने नबी नबीलाम के बेटे को देखा हुआ उन्होंने कहा हाँ, मैंने देखा है उसे बचपन में फौत हो गया था इब्राहिम अगर वो जिंदा रहता तो पैगंबर होता लेकिन वो बचपन में फौत हो गया क्योंकि नबी नबीस्लाम के बाद नबूवत खत्म हो चुकी है देखें यानी नबी नबीस्लाम के बच्चों का बचपन में फौत होना इसलिए है कि आपके ऊपर नबूवत खत्म हो चुकी है तो लिहाजा हमने ये जो शरा की है ना कि कोई मर्द के बाप नहीं है ये बिल्कुल उस अदीज के मुताबिक है इबन अबी औफा जो कह रहे हैं छियासी इजली में फौत हुए हैं हजूर के बाद ये पचहत्तर साल तक जिंदा रहे सीनियर साहबा में से आखिर में जो चंद गिनती के लोग फौत हुए हैं ना जिन्होंने लंबी उम्रें पाई उनमें से इबिन अबी औफा है और वो तो ये कर रहे हैं और ये आदि अधरमाया कि अगर इब्राहिम जिंदा रहता तो पैगम्बर होता तो यार इसका मतलब यह निकाल दिया तुमने कि पैगम्बरी जारी है ये मतलब नहीं निकाला कि इसलिए वो नहीं रहा कि खत्म है और ये इब्ने अबी औफा ने खुद सही बुखारी में बयान किया पूरी रिवायत बयान करो ये इसी तरीके से है अगर मुझे उम्मत का ख्याल ना हो तो मैं मिसवाक फर्ज कर दूं इससे अगर कोई ये रिजल्ट निकाल दे दांत साफ करने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं करने चाहिए इसकी वजह यह निकाला जाएगा कि अल्लाह के नबी नबीसलाम दांतों की सफाई पर इतना जोर देते थे कि आपने फरमाया अगर मुझे उम्मत का ख्याल ना हो तो मैं फर्ज कर दूं हर नमाज के साथ मिसवाक करो तो एटलीस्ट अगर हर नमाज के साथ नहीं कर सकते दिन रात में एक दफा तो जरूर करो दांतों को साफ रखो यह मतलब निकालना चाहिए दूसरे वाला मतलब ठीक है वो खामद अपनी बीवियों को कहते हैं ना जी अब तिरमजी में है अगर सजदा जायज होता तो मैं बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सब जो अल्लाह ने उन पर रखा है तो इसमें जो कुछ तेज तरार बीवियां वो खामदों को कहती है देखो फिर हुक्म तो कौन ही ना होया सजदे देता इससे ये रिजल्ट निकालना था यह कि हुक्म हो रहा काम नेड़े ही लिहाजा सजदा तो नहीं करना लेकिन बाकी खामन का रिकॉर्ड करना है इसका अगर कोई ये रिजल्ट निकाल ले कि चूंकि सजदे का हुक्म नहीं हुआ लिहाजा को कोई पूछने की जरूरत नहीं अल्लाह ने भी फारक किया फारक कर देना बिल्कुल आम लिंग्विस्टिक में ये बातें हो रही होती हैं इंसान थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करे तो इंसान को पता चल जाता है कि कौन बंदा दो नंबरी कर रहा है और कौन सही बात कर रहा है अल्लाह का शुक्र है उल हल यविल आमा वल बसीर एनभी तुम फरमाओ कि क्या आंख वाले और अंधा और आंख वाला देखने वाला बराबर हो सकता है अफला तफक्रून क्या तुम गौरतफ्र नहीं करते अब यहां स्पेसिफिकली अल्लाह तला मिसाल दे रहा है जिस तरह अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते इसी तरीके से जो हक कबूल करने वाला और हक कबूल ना करने वाला ये बराबर नहीं हो सकते

अफला तफक्करून तो क्या तुम गौर वफक्र नहीं करते वंदिर बिहिल लदीनाफून और नबी, डर सुनाइए इस कुरान के जरिए उनको जो डरते हैं ऐ शरू इला रब के उन्हें उनके रब के जमा किया जाएगा अच्छा ये बिही बिही इतनी दफ़ा आएगा कुरान के लिए सूरत नाम का ताना बाना कुरान के किरद और स्टार्ट वहां से हुआ है वह ऊहियाम बिही बलग। ये कुरान इसलिए मेरी तरफ वही किया गया कि ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग कर दूं और जिस तक यह कुरान पहुंचे अब यह बिही चलेगा इधर भी चल रहा है देखें इस कुरान के जरिए आप तस्कीर करें यानी फजा के जरिए नहीं फजाने सुन्न से नहीं कुरान से करें उनसे जो डरते हैं अब यहाँ डरना कि जिसको वाकई है कि मेरी मर्जी के बग़ैर जिसने मुझे पैदा किया मेरे साथ कुछ कर सकता है और क्या मददीन उसने जिंदा कर लिया तो मेरा बनेगा क्या युक शरू अला रब्बिम के उसे उठाया जाएगा उसके रब के हजूर लही सून ही वली शफी जहाँ पे अल्लाह के सिवा ना कोई उसका मददगार होगा ना कोई हमायती होगा सिफारशी होगा वो डर जाए वाला बिल गदावा बिल गदाती वी और दूर मत हटाइए उनको जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते रहते हैं कौन सुफा यह टॉपिक कुरान में कई जगह आया है सूर्य नूर में भी जाके आएगा कि गरीब साहबा वक्फ हुए में आज भी सुफा का चबूतरा मौजूद है और यह ना समझे कि वहां हमारे इधर मौलवी मस्जिद में बैठे होते हैं तो इतने मोटे होके निकलते हैं वहां पर बेचारे फाकों में बुखारी मुस्लिम मुसलिम अदीस अजूर कहते हैं मैं भी सहाब सुबह में था कई बार रास्ते में लेटा होता था तो लोग माँ से ठोकर मारते थे शायद इसे मिर्गी का कोई दौरा पड़ा हुआ है जबकि मैं अपने उस फाके की वजह से लेटा हुआ होता था इतनी ताकत ही नहीं होती थी तो ये तो अल्लाह को गरीब कितना अजीज है अल्लाह हमारा है कि मत हटाए उन्हें जो सुबह शाम अपने रब को पुकारने के लिए मस्जिद में बैठे हैं क्योंकि वो सरदार मक्के के जाहिर है उनमें इतना तकबुर था वो कहते थे गरीब गुरबा तो साइड पर करें ना टाइम दो तो अल्ला असि नहीं रनल बहना तो अल्लाह फरमाए स्पेशल तो ये लोग हकदार हैं यू रही दू ना वजह जो सिर्फ उसी की रजा जो ही चाहते हैं माँ अलई का मिन हिसाब हिमिन शही नबी आपका इन पर कोई हिसाब नहीं है वह मा मिन हिसाब ही का हिम मिन शही और ना आपके हिसाब से इन पर कोई चीज़ है यानी अल्लाह के नबी को भी अल्लाह कह रहा है कि आपका कोई नहीं है। मेरे लिए आए हुए हैं ना आपने इनकी टेंशन लेनी देख लें अल्लाह को हर इंसान कितना अजीज है जो उसकी तरफ आ जाए फतम फतकून अगर आपने इनको दूर हटाया तो आप भी ालमों में शुमार हो जाएंगे नबी आप भी गुनागार होंगे अब जालिम का लफ्ज हक से इनाद करना किसी चीज को उसकी जगह से हटा के किसी और जगह रख देना आप भी जालिम शुमार होंगे अगर आपने अपने गरीब असहाब को अपने से दूर किया इन लोगों को एकोमोडेट करने के लिए और इसका क्लाइमैक्स तो वो आ, अब इबन उम मखतूम के बारे में जो आबा सा वल्ला नाजिल हुई देख लें अल्लाह को अजीज है कि जो अपनी चाहत से अल्लाह को चूज करने के लिए आता है अल्लाह के नबी आप उनकी तरफ से तोज्जो दे रहे हैं हालांकि नेक नेकनीति से हजूर दे रहे थे कि चलो सरदार मुसलमान हो जाएगा पूरा कबीला हो जाएगा लेकिन अल्लाह ने हमें बस आपका काम दावत देना है टेंशन आपने लेनी टेंशन उसकी लेनी है जो अपनी मर्जी से सीखने आए जो सीरियस है मेरे पास भी कई बार लोग जब मैं पब्लिक डिबेट्स करता था कोई आता पहले उससे भाई ये पूछते हैं कि ये आप सीखने आए हो लड़ने आए हो तो मेरे भाई कहीं और चले जाओ अगर वाकई समझना है तो फिर हम एक एक चीज बताएंगे फिर वो तसली से पूरा मुकदमा समझना है तो उसको हम प्रोटोकॉल देते हैं वह कदाली का फतन ना और इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कि हमने अजमाइश में डाल दिया है बाज को बाद के जरिए ताकि ये जो काफिर मालदार हैं वो कहते हैं अच्छा ये लोग हैं जिन पे अल्लाह का बड़ा फजल हुआ है भुख पे ही है नु अल्लाह कहता है ये हमने आजमाइश डाली है तुझे दे के आजमाया ना है काफिर इससे लेके आजमाया अल्लाह नारी आजमाइश थी जो ये इस तरह की बात करते हैं मिम बनी ना हम में से अल्लाह भी आलामा बिशाह के अल्लाह ताला क्या नहीं जानता अपने शुक्रगुजार बंदों को अल्लाह के इल्म में ये है शुक्रगुजारी के कोई शख्स अपना तन मन धन अपने रब के लिए वक्फ करते शुक्रगुजारी ये नहीं है कि किसी को माल मिला के जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है अगर खर्च भी ना आखरत बना इस तू गरीबात ला अल्लाह बड़ा शुक्र है शुक्र इसलिए कि तू जो है इसको इसकी तिजोरियां बढ़ता रहे और अल्लाह का हक ना इसमें से अदा कर अब यह देख लें अब सुफा की क्या शान है उन लोगों की जिन्होंने अपना आप वक्फ किया है दीन के लिए डेढ़ सौ से दो सौ असहाब थे जो मस्जिद नबी में नबील इस्लाम से इल्म हासिल करते थे ये वो मदरसे ना समझे जो आजकल के मदरसे ये वो मदरसे हैं जिनमें आपको फाके काटने पड़ेंगे ठीक है मुश्किल जिंदगी है और इधर टीचर भी वो है जो खुद भी फाके से है यह नहीं है कि हमारे मदरसों के उलमाग इतना के बकरों के बकरे जो है वो जब होके तो जा रहे हैं घर में बच्चों को जो है लम्बी दाल शौरब अली ठीक है बड़ा फर्क है नबी इस्लाम यानी आप रोल मॉडल इसीलिए ना कि आप खुद भी उस सारी वाक्या से गुजरते थे इसीलिए मैं कहता हूं नबील इस्लाम दुनिया के की हिस्ट्री में उन चंद इंसानों में से उनके अलावा भी अगर होंगे तो पैगंबर ही कोई हो सकता है कि जिस पे हजारों कैमरे फिट हों और आपका कोई एक साथी भी ऐसा नहीं है जो आपके साथ रहा हो और उसने आपकी वफात के बाद यह क्लेम किया हो कि ये सब कुछ फ्रॉड था कोई एक बंदा भी नहीं उल्टा वो लोग जो फतेह मक्का पे दब के हुजूर के गलबे की वजह से उसे कुरेश का गलबा समझ के मुसलमान भी हो गए तहत वो मुर्तद भी हो गए हजारों की तादाद में और साहबा की तादाद थोड़ी रह गई मुर्तदीन ज्यादा हो गए और वो बिल्कुल एंड वाले थे उनका कॉन्फिडेंस वहां भी नहीं टूटा उन्होंने कहा नहीं ये गए तो क्या हुआ अल्लाह के नबी का तो वादा है हमने रोम और पर्शियन को भी डेर करना है उस टाइम कोई सोच सकता है कि आपका लीडर भी फौत हो जाए जिसकी वजह से सारा गलबा था और उल्टा सब लोग जो आपके अंदर के अरब वो जंगजू लोग वही मुरतद हो जाए तो आप तो उनके साथ ही जंगे नहीं लड़ सकते मेरे भाई बाहर के जाके लड़ेंगे बंधे अपने कार ही पै जाती है और हजरत बकर अगर का आप कॉन्फिडेंस देखें उन्होंने पैरल में सारे मास्क खोल लिए हालांकि कितने हजरत उमर कह रहे हैं कि जी मुनकर इस गात को बाद में निबड़ लेते हैं ये इतना बड़ा मसला नहीं है पहले हम उन्होंने कहा नहीं 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 ये काम नहीं होगा अल्लाह के नबी के जमाने में अगर कोई एक रस्सी भी देता था वो देगा क्योंकि हजरत बकर का ये यकीन था कि अल्लाह ने इस दीन को गालिब करना है هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ونكتا يصير يقول في ناس اسمع النوبات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا.